वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो बाबिने कंपेंसेटर। बाबिने कंपेंसेटर पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। देर आर सम डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल्स जिसमें द्वि अपवर्तन होता है। द्वि अपवर्तन को सामान्य वे में समझें तो अगर हम किसी ग्लास प्लेट को लें और उससे किसी वस्तु को देखें या लेंस लें और उससे कोई वस्तु को देखें तो उसकी एक इमेज हमको दिखाई देगी, लेकिन जो डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल है उससे अगर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमको दो इमेज दिखाई देगी। तो इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, तो उसके ऊपर अगर कोई लाइट आती है तो वो दो भागों में विभक्त होती है। एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ई रे और दूसरी होती है ओ रे। एक ओ रे और एक ई रे, हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। ई रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो कंपन होते हैं, वो इसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होते हैं और ओ रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा ओ मीन्स ऑर्डिनरी रे, क्योंकि ये अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। अपवर्तन के नियम क्या है कि हम अपवर्तन का इंडेक्स लिखें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, तो वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर सब दिशाओं में बराबर होता है ओ रे के लिए, लेकिन ई रे के लिए साइन आई अपॉन साइन आर सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है अलग अलग दिशाओं में। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ई रे जो होती है उसका वेग सब दिशाओं में अलग अलग होता है और ओ रे का वेग सभी दिशाओं में एक जैसा होता है, इसलिए इसको ऑर्डिनरी और उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहते हैं। और फिर ये क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्रिस्टल जो होते हैं उसमें वी ई इज लेस देन बी ओ, और नेगेटिव क्रिस्टल जो होते हैं उसमें वी ई मोर देन बी ओ ऐसा होता है। इन क्रिस्टल्स की सहायता से, जो डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल्स हैं उनकी सहायता से हम लैम्डा बाय फोर प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट बनाते हैं। तो हमने एक प्लेट बनाई लैम्डा बाय फोर प्लेट, तो लैम्डा बाय फोर प्लेट बनाई तो ये इस तरह से मान लीजिए कोई पॉजिटिव क्रिस्टल, तो पॉजिटिव क्रिस्टल में वी ई लेस देन वी ओ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिशा होती है जिसको प्रकाशीय अक्ष कहते हैं, उस दिशा में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों के वेग समान होते हैं किसी भी क्रिस्टल, अन्य दिशाओं में नहीं होते, तो उस दिशा में ही है। तो मान लीजिए कि इसकी प्रकाशीय अक्ष यह है और ये एक रे प्लेन पोलराइज्ड यहाँ पर आती है, तो ये दो भागों में विभक्त होगी और चूंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ऑप्टिक एक्सिस के तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो यहाँ पर ये भी ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि हम ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर चलते हैं। और वी ई लेस देन है तो यहाँ पर ये इस तरह का
ये बनेगा, और वी ओ वो इस तरह का, उसका जो वेव फ्रंट है वह ऐसा बने, दोनों वेव फ्रंट यहाँ पर, ये वेव फ्रंट वी ई का है, ये वेव फ्रंट वी ओ का है, इस दिशा में ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में दोनों वेग बराबर होते हैं, तो दोनों के तरंगा भी कोइंसाइड करेंगे, समान वेग से चलेंगे। तो इसमें हम देखें कि ई और ओ रे जो चल रही है साथ साथ यहाँ बाहर निकल रही है, तो ये इतनी थिकनेस को हम अगर डी मान लें, तो डी थिकनेस पार करने पर जब ये बाहर निकलती है तो ई और ओ साथ में तो निकल रही है, लेकिन इसमें कुछ फेज डिफरेंस है ना, ये ई है, ये ओ है, ये ई है, ये सब साथ में आ रही, सो देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ई बिटवीन ई एंड ओ, ई और ओ के बीच में फेज डिफरेंस कितना, ये हम निकाले। तो हम देखें डी दूरी तय करने में लगा समय, तो टी ई इज इक्वल टू डी अपॉन वी ई, इतना समय लगेगा। टी ओ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, डी अपॉन वी ओ, तो इससे टाइम डिफरेंस कितना आया, वी ई लेस देन, तो टी ई माइनस टी ओ इज इक्वल टू डी अपॉन वी ई माइनस डी अपॉन वी ओ, ये आया, तो डी इंटू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन वी ओ इतना आया। तो ये अगर टाइम डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस कितना, तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी और सी से डिवाइड करते हैं, इस सी को इधर ले आते, तो सी इंटू टी ई माइनस टी ओ यानी सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये सी इधर चला गया, तो सी इस सी को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो डी इंटू सी अपॉन वी ई माइनस सी अपॉन वी ओ, ये हो गया, और सी बाय वी होता है म्यू, तो हम ये लिखेंगे पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू पथांतर बराबर डी इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ, ये पार्ट डिफरेंस हुआ। अगर ये पार्ट डिफरेंस, इस पर डिपेंड करता है कि ये डी कितना है, तो डी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं थिकनेस, तो थिकनेस अगर हम ऐसी एडजस्ट करें कि ये पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय फोर हो, तो लेमडा बाय फोर प्लेट बन जाएगी, पार्ट डिफरेंस को हमने लेमडा बाय फोर कर दिया, लेमडा बाय फोर इफ पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाय फोर, तो हो जाएगा डी म्यू ई माइनस म्यू ओ, जब ये शर्त पूरी होगी तो एक क्वार्टर वेव प्लेट कहलाएगी, तो इसमें ई और ओ के बीच में लेमडा बाय फोर का पार्ट डिफरेंस रहेगा, और फेज डिफरेंस इक्वल टू टू पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आएगा पाई बाय टू, टू पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय फोर, तो लेमडा बाय फोर प्लेट क्या करती है, ई और ओ के बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस कर देती है। ठीक, अगर ये लेमडा बाय टू हो तो हाफ वेव प्लेट बनेगी, ठीक है, हाफ वेव प्लेट के लिए ये क्वार्टर वेव प्लेट
हाफ वेव लेट लीजिए लेमडा बाय टू डी म्यू ई माइनस म्यू। ठीक है, हमने पॉजिटिव क्रिस्टल लिया है, अगर किसी अलग किताब में नेगेटिव क्रिस्टल लिया हो तो उल्टा लिखा होगा म्यू माइनस म्यू। तो अगर ये लेमडा बाय टू है, टू पाई बाय लेमडा, लेमडा बाय टू, टू से टू कैंसल, तो ई और ओ के बीच में हाफ वेव प्लेट पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट ये हैं, तो इनका उपयोग हम एनालिसिस ऑफ लाइट में करते हैं यह पता करने के लिए कि क्या वो पोलराइज्ड है या नहीं है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि ये जो प्लेट बनी इसकी लेमडा बाय फोर, तो इसकी थिकनेस कितनी आती है? D इज इक्वल टू क्वार्टर वेव प्लेट के लिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ये हमको बताता है कि D इज इक्वल टू लेमडा बाय फोर म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो हमने थिकनेस को सेट किया, तो ये क्वार्टर वेव प्लेट बनी किसके लिए? इस लेमडा के लिए। ठीक है, सो ए गिवन क्वार्टर वेव प्लेट आर गिवन हाफ वेव प्लेट इज फॉर ए डेफिनेट वेवलेंथ। अब हम बाबिने का कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं कि हमने डी इज इक्वल टू म्यू ई माइनस म्यू ओ क्वार्टर वेव प्लेट और डी इज इक्वल टू लेमडा बाय टू म्यू ई माइनस म्यू ओ हाफ वेव प्लेट। ये है किसके लिए? फॉर ए गिवन लैम्डा। बाबिने कंपनसेटर बनता है तो उसने क्या किया, बाबिने वैज्ञानिक का नाम है, कंपनसेटर का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड पार्ट डिफरेंस है उसको कंपनसेट कर दे, यानी जितना पथांतर चाहिए लेमडा बाय फोर के लिए या लेमडा बाय टू के लिए उसको वो पूरा कर दे। तो हम इसको प्रतिकारित कहते हैं, बाबिने कंपनसेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रिज्म होता है, तो इसमें दो प्रिज्म लिए जाते हैं इस प्रकार से कि उन दोनों को अगर बेस टू बेस रखें तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन जाता है, और इसमें एक जो प्रिज्म है इसको हम डब्ल्यू वन कह दें, इस प्रिज्म को डब्ल्यू टू प्रिज्म कह दें, और ये हमने पॉजिटिव क्रिस्टल लिया है। इसमें जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो इस तरह से डॉट से हम दिखाते हैं, इसका मतलब ये इसकी रिफ्रेक्टिंग एज के परपेंडिकुलर है। ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग
अपवर्तनकारी सतह और इसमें पैरेलल। अब यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहाँ पर ये इसकी रिफ्रेक्टिंग एज के परपेंडिकुलर है ऑप्टिक एक्सिस, तो यहाँ पर ये दोनों साथ साथ चलती ई और ए। ठीक, अब मान लीजिए इसके अंदर डी वन दूरी तय करती, तो डी वन इज इक्वल टू हम लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ लिख लें हम तो सीधे सीधे, है ना। ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, म्यू या वैसे निकाले थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर, इसलिए डायरेक्ट म्यू ई डी वन ये होगा ऑप्टिकल पाथ और जो ऑर्डिनरी वेव होगी उसका होगा म्यू ओ डी वन ऑप्टिकल पाथ। तो ओ और ई के बीच में यहाँ पर जो सांसा चलेंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, वो होगा म्यू ई डी वन माइनस म्यू ओ डी वन, कितना होगा यानी डी वन इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ, कितना पार्ट डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। दिस इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई, डेल्टा बिटवीन ओ एंड ई, है ना, किसमें इन डब्ल्यू वन, ओ और ई के बीच में पार्ट डिफरेंस इन डब्ल्यू वन प्लस डी वन म्यू ई माइनस म्यू। अब यहाँ पर जब ये रे इसमें इंटर करती है इधर जाती है, तो ओ और ई रे जब यहाँ चलती है तो देखते हैं कि जो ई है यानी जिसमें वाइब्रेशंस पैरेलल टू दी ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन इसमें ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ई रे ओ रे बन जाएगी और ओ रे ई रे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये रे यहाँ से यहाँ तक डी टू दूरी तय करती है, ये डिस्टेंस डी टू है, तो दोनों ई और ओ के बीच में डी टू दूरी पर पार्ट डिफरेंस कितना, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा बिटवीन ई एंड ओ इन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डी टू इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि ई रे ओ रे बन गई और ओ रे ई रे बन गई, हाँ। अब यहां से यहां तक जब बाहर निकले तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना, यहां पर वो निकाले तो इन दोनों का सम, तो इसको हमने सम किया, टोटल पार्ट डिफरेंस निकाला, वी राइट टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी वन म्यू ई माइनस म्यू ओ और प्लस डी टू म्यू ओ माइनस म्यू ई या म्यू ई माइनस म्यू ओ या म्यू ओ माइनस म्यू ई हमने कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट में डी वन माइनस डी टू दिस इज दी डेल्टा टोटल, टोटल पार्ट डिफरेंस जो है वो डी वन माइनस डी टू के बराबर है। तो अगर डी वन और डी टू बराबर है तो डी वन माइनस डी टू जीरो होगा, तो पार्ट डिफरेंस जीरो। डी वन माइनस डी टू को हम एडजस्ट कर लें, यानी डी वन डी टू को एडजस्ट कर लें, इस तरह से एडजस्ट कर लें कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय फोर हो जाए, तो एक क्वार्टर वेव प्लेट हो जाएगी। अगर ये इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें कि ये लैम्डा बाय टू आ जाए तो हाफ वेव प्लेट हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो प्रिज्म है इसको स्लाइड कर दें इस पे, तो इसको अगर स्लाइड करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, तो पहले ये ऐसा था, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करा तो ये यहां आ गया, अब जो रे यहां से जा रही है उस रे के लिए ये D1, ये D2 और यहां पर रे, ये पहले वाली पोजीशन। अब रे यहीं पे बाहर हो गई तो इसको ऊपर सरकाने से D2 कम हो गया है, तो D1 माइनस D2 बढ़ गया, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करके हम उसी अरेंजमेंट को जिसको भाभी ने कंपेंसेटर कहते हैं, उसको कभी हम लैम्डा बाय फोर प्लेट बना सकते हैं, कभी लैम्डा बाय टू प्लेट बना सकते हैं। और ऐसा करने पर ये जो बनेगी प्लेट, क्योंकि डी वन डी टू एडजस्टेबल है, तो फॉर एनी वेवलेंथ, ठीक है, सो भाभी ने कंपेंसेटर कैन बी मेड लैम्डा बाय टू आर लैम्डा बाय फोर प्लेट फॉर एनी वेवलेंथ, किसी भी तरंग के लिए इसको हम क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।